हल्द्वानी नैनीताल जिले में बीती रात से लगातार बारिश जारी है। यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक नैनीताल में 39 मिलीमीटर, हल्द्वानी में 103 मिलीमीटर, धार में 90 मिलीमीटर, मुक्तेश्वर में 93 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिस वजह से नदियों का जलस्तर भी बढ़ा है। आपको बता दें कि नैनीताल जिले में इस वर्षा ऋतु में अब तक 759 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। वहीं बारिश से सड़कों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक काठ गोदाम, सिमलिया बैंड, रूसी बाईपास मार्ग, हेड़ा खान धाम, मोटर धाम मार्ग, रामनगर अली सेठी मार्ग, अम्बेडकर रखौली मार्ग, अमृतपुर जमरानी मार्ग, ओखल कांडा मार्ग, कोटाबाग देवीपुरा मार्ग, पदमपुरी मार्ग सहित 20 रास्ते बंद हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे में और भी भारी बारिश के आसार हैं, लिहाजा प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।